हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। एक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर ही, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखो, ए प्लस बी की पावर है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछे तो आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब भी फाइंड करते हैं, ए प्लस बी, यहाँ तक आपने पढ़ा है। बट ए प्लस बी की पावर 4 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 5 आ जाए, या अब इनफाइनाइट कुछ भी पावर आ जाए, तो उस सभी पावर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, जिसे बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। ए प्लस बी की पावर n, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। अब यहाँ पर होगा एन सी जीरो, क्या होगा एन सी जीरो, फॉर्मूला याद करना, एन सी जीरो ए की पावर n, c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें फैक्टोरियंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे एन सी आर का फॉर्मूला आप सबको पता है, फैक्टोरियन n, फैक्टोरियन r और फैक्टोरियन n माइनस r, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्या फॉर्म होता है एन सी जीरो, ऑर्डर देख लो, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, अप टू एन सी एन तक। फिर देखो, a की पावर n रहेगी तो b की पावर क्या रहेगी, जीरो। a की पावर को आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते जाओ और b की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, एन सी जीरो, a की पावर n, b की पावर जीरो, एन सी वन, a की पावर ए एन माइनस वन, b की पावर वन, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर, जो यहाँ पर टू होगा वो सेम पावर बी के अंदर चलती रहेगी। इसी तरह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन ऑफ वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव। अब ये तो हो जाएगा आपका ए, ये क्या हो जाएगा बी, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव। वी नो डेट, फॉर्मूला पढ़ा आपने, ए प्लस बी की पावर एन, वही बता, एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एंड बी की पावर टू। वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू मैंने कितनी बोली आपको, फाइव, ए की वैल्यू कितनी बोली वन, और बी की वैल्यू कितनी बोली माइनस टू एक्स, बी की वैल्यू कितनी बोली माइनस का टू एक्स। वैल्यू पुट करो, एन सी जीरो फाइव सी जीरो ए की पावर फाइव, फाइव सी वन ए की पावर फोर एंड बी की पावर वन, फाइव सी टू ए की पावर थ्री बी की पावर टू, 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3, 5c4 a की पावर 1 और b की पावर 4, फिर 5c5 a की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और b की पावर कितनी रहेगी अपने 5, 5c0 सॉल्व करें, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 0, फैक्टोरियन 5 माइनस 0 और a की पावर 5। इसी तरह 5 में 5c1 को सॉल्व किया, ये वाला a की पावर 4 एंड b की पावर 1, 5c2 को सॉल्व करा, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 2, फैक्टोरियन 5 माइनस 2, ए की पावर 3 एंड बी की पावर 2। इसी तरह 5c3 को सॉल्व किया, ए स्क्वायर और बी क्यूब, 5c4 को सॉल्व किया फॉर्मूला लगाकर, ए बी की पावर 4, और ए 5c5 को वैल्यू रखी और बी की पावर क्या रही आपके, और इन सब को सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 0 एंड फैक्टोरियन 5 ए की पावर 5, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 1 और फैक्टोरियन 4 ए की पावर 4 एंड बी, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 2 एंड फैक्टोरियन 3 a क्यूब एंड b स्क्वायर, फैक्टोरियन 5 a, फैक्टोरियन 3, फैक्टोरियन 2 a स्क्वायर एंड b क्यूब, फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 4, फैक्टोरियन 1 a b की पावर 4 एंड फैक्टोरियन 5, फैक्टोरियन 5 और फैक्टोरियन 0 b की पावर 5। सबको सॉल्व करा, फैक्टोरियन 0, फैक्टोरियन 0 की कितनी 1, तो फैक्टोरियन 5 और फैक्टोरियन 5 कितना होता 1, a की पावर कितनी रहेगी आपकी 5, इसको कैंसिल किया कितना 5 a की पावर 4 एंड b, और इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल, इसको सॉल्व किया 2 टाइम 5 टू 10, 10 ए क्यूब एंड बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम कितना आएगा 10 ए स्क्वायर एंड बी क्यूब। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा आपका 5 ए बी की पावर 4 और लास्ट में रहेगा बी की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर क्या रहेगी आपकी 5। ए प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, ए की पावर 5 प्लस 5 ए स्क्वायर एंड बी प्लस 10 ए क्यूब एंड बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी की पावर 4 और बी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अपना क्वेश्चन था ए की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है 1 और बी की जगह कितना पुट करना है माइनस का 2x, जहां ए है वहां हमने पुट किया 1 और बी की जगह हम पुट करेंगे माइनस का 2x, तो 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 की पावर 5, 5 1 की पावर 4 एंड माइनस का 2x, 10 1 की पावर 3 एंड माइनस 2x की पावर 3, 10
वन की पावर टू और बी माइनस टू एक्स की पावर थ्री और लास्ट में वैल्यू पुट करी थी भाई। इसको सॉल्व करेंगे वन की पावर फाइव का मतलब वन, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का टेन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टर्म को टेन माइनस एट एक्स क्यूब, टेन वन और माइनस एट एक्स क्यूब फाइव और सिक्सटीन एक्स की पावर फोर और लास्ट में रहेगा माइनस टू की पावर कितनी होती है माइनस थर्टी टू और टू की पावर एक्स की पावर फाइव। ये रहेगा आपका लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। बहुत ही इजी वे है, सब क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम मेथड 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 5, सेम फॉर्मूला a प्लस बी की पावर n, फॉर्मूला अच्छे से आप लर्न कर लो, a प्लस बी की पावर कितनी रहेगी आपको 5, तो 5 के अकॉर्डिंग हम खोलेंगे तो सेम फॉर्मूला 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4 एंड b की पावर 1, 5c2 a की पावर 3 एंड b की पावर 2, 5c3 a स्क्वायर एंड b क्यूब, 5c4 a b की पावर 4 एंड 5c5 b की पावर 5। वैल्यू सॉल्व करेंगे फैक्टर इन 5, 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5 को हम क्या करेंगे सॉल्व, कोई सेम फॉर्मूला कौन सा ncr वाला, क्या होता है फैक्टर इन n फैक्टर इन r और फैक्टर इन n माइनस r, ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रहेगी ये वाली। अब जो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू फैक्टर 1 की वैल्यू कितनी होती है फैक्टर इन 0 वही सेम 5 माइनस 0 के अंदर सेम स्टेप रहेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा क्या रहेगा a की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 5 a की पावर 4 एंड b, इसको हम सॉल्व करेंगे ये फैक्टर इन 2 भी कर दिया 2 टाइम 5 टू द 10 a क्यूब एंड b स्क्वायर, इसी तरह ये इससे कट हो गया ये भी कितना रहेगा आपका 10 a स्क्वायर एंड b क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 5 a की पावर 4 और लास्ट में रहेगा b की पावर आपके 5। वी नीड अब फॉर्मूला क्या था 2 अपॉन x, तो a की जगह पर क्या पुट करोगे 2 अपॉन x और b की जगह हम पुट करेंगे माइनस x अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखो a की पावर 5 2 अपॉन x की पावर 5, 5 एज इट इज, a की जगह 2 अपॉन x की पावर 4, b की वैल्यू माइनस x अपॉन 2 प्लस 10 a की जगह a की वैल्यू b की जगह b की वैल्यू, 10 a की वैल्यू स्क्वायर एंड b का क्यूब, 5 a की जगह a की वैल्यू b की वैल्यू इसकी पावर 4 और b की जगह माइनस x अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको 2 की पावर 5 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस का 5 क्या रहेगा ये माइनस का 5 और क्या रहेगा 2 अपॉन x की पावर 4 और x अपॉन, इसी तरह 10 2 अपॉन x की पावर 3 माइनस सॉरी x अपॉन 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर, इसी तरह माइनस का 10 2 अपॉन x का स्क्वायर और x अपॉन 2 की पावर 3, 5 2 अपॉन x x अपॉन 2 की पावर 4 प्लस माइनस का x अपॉन 2 की पावर 5। सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका ये वाला, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम है यहां पर पावर कितनी हो जाएगी 6, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी अपने 6, फॉर्मूला वही सेम a प्लस b की पावर n, 6c0 a की पावर 6, 6c1 a की पावर 5, 6c2 a की पावर 4 एंड b की पावर 2, 6c3 a क्यूब एंड b क्यूब, 6c4 a स्क्वायर एंड b की पावर 4, 6c5 a b की पावर 5 और 6c6 और b की पावर 6। सॉल्व करेंगे 6c0 6c1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये रहेगा आपका फैक्टोरियल, बाकी रिमेनिंग टर्म सेम, फैक्टर इन 6 फैक्टर इन 1 और फैक्टर इन 6 a की पावर 6, फैक्टर इन 6 1 और फैक्टर इन 5 a की पावर 5 एंड b, फैक्टर इन 6 फैक्टर इन 2 और फैक्टर इन 4 a 4 एंड b स्क्वायर, फैक्टर इन 6 फैक्टर इन 3 और फैक्टर इन 3 a क्यूब एंड b क्यूब, फैक्टर इन 6 फैक्टर इन 2 और फैक्टर इन 4 a स्क्वायर एंड b की पावर 4, फैक्टर इन 6 फैक्टर इन 5 और 1 a b की पावर 5 और फैक्टर इन 6 मल्टीप्लाई 1 और b की पावर कितनी रहेगी 6, इसको हमने सॉल्व किया तो 6 से 1 रहेगा तो a की पावर 6 रहेगी, यहाँ कैंसिल करा तो कितना रहा 6 a की पावर 5 एंड b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 a की पावर 4 एंड b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 20 a क्यूब एंड b क्यूब, इसको टर्म को सॉल्व करेंगे तो 15 a स्क्वायर एंड b की पावर 4 और ये रहेगा 6 a b की पावर 5 और लास्ट टर्म रहेगा अपने b की पावर। अब आपका आता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन ये था तो a की जगह तो कितना लिखोगे आप 2x और b की जगह लिखेंगे हम माइनस का 3,
जो सेम मैटर, जहां पर ए है वहां पर हम लिख देते हैं 2x और जहां पर बी है वहां हम लिख देते हैं माइनस करते हैं। सॉल्व करें, ए की जगह 2x की पावर 6, 6 ए 2x की पावर 5 और बी की जगह हमने लिख दिया माइनस का 3, 15 ए की जगह ए की वैल्यू एंड बी की जगह बी की, 20 ए की जगह 2x का क्यूब, बी की जगह माइनस 3 का होल क्यूब। इसी तरह ए की जगह माइनस 2x प्लस का और बी की जगह माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 64x की पावर 6 माइनस 18 32x की पावर 5 प्लस का 15 16x की पावर 4 और 9 28x क्यूब और माइनस का 27 15 4x स्क्वायर 81 6 2x और माइनस का 243 और लास्ट में 729। कितना रहेगा, 64x की पावर 6, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 576x की पावर 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2160x की पावर 4 और लास्ट में नेक्स्ट रहेगा माइनस 4320x क्यूब प्लस 4860 और x स्क्वायर 2916x और लास्ट में रहेगा 729। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम है x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, तो a प्लस b की पावर 5 सेम फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में यही था और सेकंड क्वेश्चन में आपका यही था फॉर्मूला, पूरे 5c0। अब यहां पर आता है क्वेश्चन, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 5c0 को। तो ये आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप देख सकते हो वापस, ncr फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। वैल्यू पुट करेंगे 5c0 5c1 2 3 4 एंड 5 की वैल्यू, सारों का क्या यूज किया, फॉर्मूला याद करने के बाद अगर सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, ये वाला a की पावर 5 5 a की पावर 4 एंड b 10 a क्यूब एंड b स्क्वायर 10 a स्क्वायर एंड b क्यूब प्लस 5 ab की पावर 4 एंड b की पावर 5। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, ये वाला, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, x अपॉन 3 और b की जगह पुट करेंगे 1 अपॉन x। a की जगह a की वैल्यू पुट करो, b की जगह b की वैल्यू। क्या क्वेश्चन था, a की पावर 5 तो x अपॉन 3 की पावर 5 5 x अपॉन 3 की पावर 4 1 अपॉन x 10 x अपॉन 3 की पावर 3 1 अपॉन x का स्क्वायर 10 x अपॉन 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर 3 5 x अपॉन 3 1 अपॉन x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर कितना रहेगा, x की पावर 5 और 243 प्लस 5x की पावर 4 और 3 की पावर 4 कितना हो 81 और 1 अपॉन x 10x क्यूब अपॉन 27 1 अपॉन x स्क्वायर 10x स्क्वायर अपॉन 9 1 अपॉन x क्यूब 5x अपॉन 3 और 1 अपॉन x की पावर 4 और 1 अपॉन x की पावर कितनी रहेगी आपकी 5। इसको सॉल्व कर x की पावर 5 अपॉन 243, ये एक x कैंसिल हो जाएगा 5 और x क्यूब और 81। इसको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, x क्यूब और लास्ट में x स्क्वायर क्या रहेगा आपका कैंसिल, तो 10x अपॉन 9x और इसको सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 3x क्यूब और लास्ट में रहेगा 1 अपॉन x की पावर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम फाइनल फॉर्मेट, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। तो सबसे पहले a प्लस b का आइडेंटिटी आपको याद है। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6, तो n की जगह कितना पुट करेंगे हम, 6 a प्लस b की पावर 6, 6 से 0 a की पावर 6 प्लस 6 से 1 a की पावर 5 एंड b 1, 6 से 2 a की पावर 4 एंड b 2, 6 से 3 a क्यूब b क्यूब, 6 से 4 a स्क्वायर एंड b 4, 6 से 5 a b 5, 6 से 6 और b की पावर 6, 6 से 0 1 2 3 4 5 और 6। सबको का फॉर्मूला कौन सा, फैक्टोरियल n वाला, ncr वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ये आपके ये वाला। अब इसको फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट करके फाइनल जो आंसर रहेगा वो आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि आगे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, 6 की a की पावर 6, 6 a इज 5 b, 15 a की पावर 4 एंड b स्क्वायर, 20 a 3 एंड b 3, 15 a स्क्वायर एंड b 4, 6 a b की पावर 5 और b की पावर 6। अब यहां पर a की जगह कितना पुट करेंगे x और b की जगह कितना पुट करेंगे 1 अपॉन x। इस फॉर्मेट के अंदर a की जगह x और b की जगह पुट करेंगे 1 अपॉन x, तो आपका ये फॉर्मेट रहेगा। और इस फॉर्मेट को हम फाइनली अगर सॉल्व करेंगे कट के तो फाइनल आंसर कितना रहेगा आपका, x की पावर 6 प्लस 6 x की पावर 4, 15 x स्क्वायर 20 प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। डायरेक्ट हो गया। अगर कोई डाउट आता आप कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा 96 की पावर 3, 96 की पावर 3। अब 96 को क्या लिखा हमने, 100 माइनस, क्यों लिखा, बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे। आप चाहते हैं तो 90 प्लस 6 का होल क्यूब भी कर सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके दो फैक्टर आप क्या करोगे, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा ए, सेकंड क्या हो जाएगा बी, पावर कितनी है 3। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी की पावर एन, ये वाला फॉर्मूला। एन की जगह कितना पुट करोगे हम, 3। एन की जगह 3 पुट करोगे कितना रहा, 3c0 ए की 3 बी 0, 3c1 ए स्क्वायर बी 1, 3c2 ए 1 बी स्क्वायर, 3c3 ए 0 एंड बी क्यूब। इनको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 3, 0 एंड 3 माइनस 0, ए क्यूब बी 0 की वैल्यू होती है 1। किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 है, याद रखना आप लोग। फिर अगर इसको सॉल्व किया कितना, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 ए क्यूब, ये इससे कैंसिल होगा, 3 ए स्क्वायर बी, ये इससे कैंसिल हो, 3 ए बी स्क्वायर, और लास्ट में ये कैंसिल होकर बी की पावर 3। अब यहाँ पर ए की जगह आप कितना लिखोगे, 100, अपने फैक्टर क्या था, ए की जगह 100 और बी की जगह कितना रखोगे माइनस का 4। ए की जगह पुट किया 100 और बी की जगह पुट किया माइनस का 4, 100 का क्यूब प्लस 3, 100 का स्क्वायर माइनस 4, 300 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 4 का क्यूब। 100 का क्यूब करेंगे तो ये वाला आपका 3, इनको मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस ये 4, और 300 का स्क्वायर 10,000, 300 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16, और लास्ट में माइनस 4 का क्यूब कितना रहेगा माइनस का 64। ये रहेगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 4 टाइम 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4800 और माइनस का 64। इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करके, उसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 8847 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, 102 की पावर 5। अब इसके हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 2 की पावर कितनी है 5, एन की जगह हम कितना पुट करेंगे 5, तो एन की जगह कितना पुट करेंगे 5, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5c0 ए की पावर 5 प्लस 5c1 ए की पावर 4 एंड बी की पावर 1 प्लस 5c2 ए की पावर 3 एंड बी स्क्वायर, 5c3 ए स्क्वायर एंड बी क्यूब, 5c4 ए बी की पावर 4 प्लस 5c5 और बी की पावर 5। अब यहाँ पर इनको हम सॉल्व करते हैं, 5c0, 5c1, 5c2, तो आपका आंसर कितना आएगा लास्ट में, ये बात, ये तीन क्वेश्चन में सेम आ रखा है आपके, नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आप, ये फाइनली आंसर रहेगा। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या था, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो ए की जगह 100 पुट करोगे और बी की जगह पर 2, इसी फॉर्म में ए की जगह 100 और बी की जगह पर 2, तो कितना रहेगा, 100 की पावर 5, 5 100 का स्क्वायर पर 4 प्लस 2 और 10, 100 की पावर 3, 2 की पावर 2, 10 100 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब, 500 बी का मतलब 2 की पावर 4 और लास्ट में 2 की पावर 5। सॉल्व करेंगे 100 क्या देखा, 100 की पावर 5 मतलब 10, 5 10 टाइम 0 रहेगा 10, 100 की पावर 4 मतलब 8 टाइम 0, 2 का 2, 10 100 की पावर 3 मतलब 6 टाइम 0, 2 का स्क्वायर 4, 10 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का क्यूब 8, 500 और 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। इन सबको अगर सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर कितना, 1104080802। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, वहां का है 102, यहां पर है 101, पावर कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 4। फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 4c0 a की पावर 4, 4c1 ए क्यूब बी 1, 4c2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए 1 एंड बी क्यूब, 4c4 बी की पावर 4। अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 4c0 4c1 की, तो फाइनली आंसर अपना क्या रहेगा, ए प्लस बी की पावर 4। ये एक फॉर्मूला बनेगा, ए की पावर 4 4, ए की पावर 3 बी 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब और प्लस ए बी की पावर। अब ए की जगह हम पुट करेंगे 100 और बी की जगह पुट कितना करेंगे 1, इसी फॉर्म ए की जगह 100 और बी की जगह 1 पुट करके जो फाइनली आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका क्या रहेगा, 1040604 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सेम है 99, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 5, फॉर्मूला एन कितना है 5, तो एन की जगह पर कितना पुट करेंगे, 5 से 0 ए की पावर 5, सॉल्यूशन निकालेंगे सेम है, 5 की पावर आपके आ रखे हैं, तो फाइनली फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, ये वाला, ए की पावर 5 प्लस 5 ए की पावर 4 बी,
टेन ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस टेन ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस फाइव ए बी की पावर फोर और प्लस बी की पावर फाइव। अब यहाँ पर ए की जगह हम कितना पुट करेंगे 100 और बी की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का 1। ए की जगह क्या पुट करेंगे जहाँ ए है वहाँ 100 और जहाँ बी है वहाँ माइनस का 1। फाइव क्या ए की पावर फाइव 100 की पावर फाइव, फाइव ए की पावर 100 की पावर फोर बी का मतलब माइनस 1। टेन ए 100 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 10 100 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 500 बी का माइनस 1 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 5। इसको टोटल हम सॉल्व करेंगे प्लस और माइनस के अंदर फाइनल आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 9509900499। ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर, ये लार्जर है या फिर ये लार्ज। तो ये तो 1000 है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला। तो 1.1 को हमने क्या लिखा 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। अब यहाँ पर 10,000 है तो इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी रहेगी 10,000। तो फॉर्मूला क्या 10,000 C0 a की पावर 10,000 प्लस 10,000 C1 a की पावर माइनस 1 करेंगे तो कितना 9,990 और b की पावर कितनी रहेगी 1। ये फॉर्मूला कंटिन्यू आपके रनिंग रहेगा। 10,000 C0 फैक्टोरियन 10,000 फैक्टोरियन 0 ये रहेगा 10,000 माइनस 0 a की पावर 10,000। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना रहेगा ये वाला a की पावर 9999 और b का b। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना a की पावर 10,000 10,000 a की पावर 9999 और b। अब यहाँ पर a की जगह हम कितना पुट करेंगे 1 और b की जगह कितना पुट करेंगे 0.1। a की जगह पर 1 और b की जगह पर 0.1। 1 की पावर 10,000 10,000 1 की पावर 9999 और 0.1 1 ये रहेगा 10,000 इससे मल्टीप्लाई करा 1000 और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 1001। जबकि यहाँ पर कितना था 1000, इसकी वैल्यू कितनी है 1001 प्लस रनिंग, इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रहा, फाइंड a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। इसको सॉल्व करना है उसका इसको एलिमिनेट करना है आपको। अब यहाँ पर दो अलग अलग है, एक तो a प्लस b की पावर 4 हम याद करते हैं a प्लस b की पावर n, a प्लस b की पावर 4 n की वैल्यू कितनी होगी 4। क्या रहेगा फॉर्मूला 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b की पावर 1 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a1 b3 एंड 4c4 b की पावर। इसको हम 4c0 4c1 4c2 को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर अपना रहेगा ये वाला a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4 a प्लस b की पावर। अब यहाँ पर अब a की जगह b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस b, क्या क्वेश्चन में क्या था यहाँ एक तो प्लस का दूसरा किसका माइनस का, b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस b, जहाँ b है तो a की पावर 4 तो क्या रहेगा माइनस 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब और b की पावर 4 आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, a प्लस b की पावर 4 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और माइनस की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, माइनस बाहर है तो सबके साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, साइन क्या रहेंगे चेंज a 4 ये वाला चार टर्म सेम, यहाँ से साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, साइन चेंज होना रिमेन जो टर्म कटते हैं उसको हम क्या कर देते हैं कट और जो फाइनली आंसर रहेगा कट होने के बाद वो क्या रहेगा 8a क्यूब बी और 8a स्क्वायर बी, 8ab हमने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा a स्क्वायर एंड b। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या था ये सॉल्व होने के बाद अब जब a की जगह पर ये पुट कर लेंगे और b की जगह क्या पुट करेंगे रूट 2 तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके फाइन। इस क्वेश्चन देखो ये वैल्यू a की जगह कितना पुट करेंगे रूट 3 और b की जगह हम कितना पुट करेंगे रूट 2, ठीक है 8 रूट 3 रूट 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 8 रूट 3 रूट 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 8 रूट 3 रूट 2 और 5 5 को इससे मल्टीप्लाई 40 और इसको मल्टीप्लाई कर रूट 6 तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 40 रूट 6। नेक्स्ट सेम 1 प्लस x प्लस 1 की पावर 6 एक्स माइनस 1 की पावर 6 और इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले हम निकालें a प्लस b की पावर 6 a प्लस b की पावर 6 वही सेम फॉर्मूला लगा के जब फाइनल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा a प्लस b की पावर 6 ये वाला a 6 प्लस 6 a की पावर 5 b प्लस 15 a 4 b स्क्वायर
20 a³ b³ 15 a² b³ 4 + 6 8 b³ 5 + a² b² 6। तो a माइनस बी की पावर 6 क्या सॉल्व करना, b की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस बी, b की जगह क्या रिप्लेस करेंगे माइनस बी, जहां जहां b है वहां हम क्या पुट कर लेंगे माइनस बी, जहां पर ऑड फाउंड होगा वो आपके क्या होगा साइन चेंज, तो क्या रहेगा a की पावर 6 माइनस 6 a 5 b 15 a की पावर 4 b स्क्वायर माइनस 20 a क्यूब b क्यूब 15 a स्क्वायर b की पावर 4 6 a b की पावर 5 और प्लस b क्यूब, ये रहेगा a प्लस b की पावर 6 और a माइनस b की पावर 6, a प्लस b की पावर 6 की वैल्यू ये वाली आपने प्रूव की है और a माइनस b की वैल्यू ये वाली, सबको सॉल्व करेंगे प्लस और प्लस सेम टर्म को ऐड करके तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 2 a की पावर 6 30 a की पावर 6 b स्क्वायर 30 a स्क्वायर b 4 2 b की पावर 6 और रिमेनिंग क्या रहेगा 0, प्लस माइनस कैंसिल होकर तो कितना रहेगा सब में से 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या रहेगा 2 a की पावर 6 15 a 4 b स्क्वायर 15 a स्क्वायर b 4 और प्लस b की पावर 6, तो a प्लस b का होल से पावर 6 a माइनस b की होल पावर 6 क्या आंसर रहेगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन दे रखा था a की जगह क्या पुट करना अपना x और b की जगह क्या पुट करेंगे 1, a की जगह x और b की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो क्या फॉर्मूला रहेगा 2 x 6 15 x की पावर 4 1 का स्क्वायर 15 x स्क्वायर 1 की पावर 4 1 की पावर 6, तो क्या फाइनल आंसर रहेगा आपका ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है x की जगह हम क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है रूट 2 और 1 का तो क्या रहेगा वापस सम सेम, तो x की जगह हम पुट कर देंगे रूट 2, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे रूट 2, 2 रूट 2 की पावर 6 15 रूट 2 की पावर 4 15 रूट 2 की पावर 2 और प्लस का 1, रूट 2 रूट 2 की पावर है 6, रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, 2 2 की पावर 1 अपॉन 2 पावर 6 15 रूट 2 2 की पावर हाफ पावर 4 15 2 की पावर हाफ एंड 2 प्लस का 1, अब देखो यहां से इसको कट करेंगे कितना रहेगा 2 की पावर 3 2 2 की पावर 3 15 2 की स्क्वायर 15 2 और प्लस का 1, 2 की पावर 3 कितना रहेगा 8 2 की पावर 4 2 4 4 15 60 ये रहेगा 30 और 1, सबको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 99, 2 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 198, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर कितना रहेगा अपना 198। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखते 64 से आपको क्या करना है डिवाइड, हम जानते हैं 64 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं जो 64 की टेबल में आते हैं, जैसे अगर 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 64, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, इसी तरह से अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनी नंबर डिविजिबल बाय 64, कौन सा नंबर डिविजिबल 64, 64 इंटू नेचुरल नंबर, 64 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, एंड इन ऑर्डर टू सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64, किससे divisible होना चाहिए 64, तो we have to prove that 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is equal to क्या मान लिया 64 और k, k का मतलब क्या है सम नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इन ऑर्डर टू सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64, जब इसको किसके इक्वल करेंगे 64 k के इक्वल, अब देखो 9 की पावर n प्लस 1, 9 को हमने लिख दिया 1 प्लस 8 की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1, एक फॉर्मूला बता रहा आपने a प्लस b की पावर n, a प्लस b की पावर n क्या फॉर्मूला होता था एन सी 0 a की पावर n प्लस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एन सी 2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, इसी तरह अब यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 8 और n की जगह हम क्या पुट करेंगे n प्लस 1, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे a की जगह कितना 1 b की जगह 8, 1 प्लस 8 9 की पावर n प्लस 1, n की जगह हम पुट करेंगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 c 0 1 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 c 1 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 8 की पावर 1 n प्लस 1 c 2 1 की पावर n माइनस 2 और 8 की पावर
टू। अगर इस पोजिशन को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या रहता है, 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c 0 प्लस n प्लस 1 c 1 और 8 n प्लस 1 c 2 8 स्क्वायर डैश देन n प्लस 1 c की पावर n प्लस 1 8 की पावर क्या रहेगी आपके n प्लस 1। तो n इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपने 1 प्लस ये रहेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस का 1 और ये कितना रहेगा आपका 8 n प्लस 1 c 2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c 3 8 की पावर 3 और लास्ट में क्या है 1 8 की पावर n प्लस 1 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n से क्या रहेगा कैंसिल आउट और यहां क्या रहेगा 8 n प्लस 1 c 2 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c 3 8 का क्यूब और लास्ट में क्या रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 1 ये कितना रहेगा n प्लस 1 और 8 n प्लस 1 c 2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c 3 8 का क्यूब लास्ट में कितना रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 1 ये कितना रहा 8n प्लस 8 n प्लस 1 c 2 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c 3 8 का क्यूब लास्ट में कितना रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 8n कितना रहेगा 8n प्लस 9 n प्लस 1 c 2 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c 3 8 का क्यूब लास्ट में क्या रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 8n प्लस 9 प्लस n प्लस 1 c 2 8 स्क्वायर n प्लस 1 c 3 8 की लास्ट में कितना रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 9n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस में क्या ले लिया 9 ये दोनों टर्म इधर रिमूव हो जाएंगे रिमेनिंग कितना n प्लस 1 c 2 का 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c 3 8 की लास्ट में कितना रहेगा 8 की पावर n प्लस 1 8 स्क्वायर कॉमन फैक्टर दोनों साइड क्या ले लिया 8 का स्क्वायर कॉमन तो 9 n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू क्या लिखा 8 स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 8 स्क्वायर रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा आपका सेम तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c 2 प्लस n प्लस 1 c 3 8 की पावर 1 और 8 की पावर n माइनस 1 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस n 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगे आपके सेम इस पूरे को कांस्टेंट मान लिया k क्या मान लिया k तो आंसर क्या रहेगा 64k ये अगर 64 से डिवाइड है इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा आपके 64 से देन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट सम ऑफ r की पावर 0 से r की वैल्यू 0 से n तक 3 की पावर r n c r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपकी 4 की पावर n बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग r 0 टू n तक n c r a की पावर n माइनस r b की पावर या इसको लिख सकते हैं a प्लस b की पावर n b की जगह हम पुट कर सकते हैं 3 a की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे 1 दोनों को सम करने पर कितना आना चाहिए आपके 4 r की 0 से n n c r 1 की पावर n माइनस r और a की वैल्यू कितनी ले ली 3 की पावर r ये a और ये b 1 प्लस 3 मतलब 4 आंसर कितना रहेगा 4 की पावर n इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट और ये क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ नेक्स्ट देख लेते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 फर्स्ट क्वेश्चन इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर दो अलग अलग इंटीजर हैं a और b प्रूव दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस b किसका फैक्टर होगा a की पावर n माइनस b की पावर n व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर जब n क्या है पॉजिटिव इंटीजर इंट की आपको जरूरत नहीं है इंट दे सकते हो a की पावर n को हम ये भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट एज 4 डिविजिबल 24 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24 फैक्टर क्या होता है जो उसकी टेबल में आप यूज कर सकते हो जैसे 4 किसका फैक्टर है 24 का तो a माइनस बी इज फैक्टर होना चाहिए आपके किसका a की पावर n और माइनस b की पावर इसका मतलब ये इससे क्या होना चाहिए आपको डिवाइड तो a की पावर n माइनस b की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b और k k का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है वी कैन राइट a की पावर n को क्या लिख सकते हैं a की पावर n को a माइनस बी 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 सी कैंसिल हो जाएगा तो वापस क्या रहेगा a की पावर n अब इसको अलग अलग करें एक तो रहेगा b और क्या रहेगा a माइनस बी की पावर n ये टोटल रहेगा अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये क्या टर्म हो जाएगा सेकेंड तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी की पावर n वही सेम फॉर्मूला एन सी जीरो a की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू और बी का स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे बी और बी की जगह पुट करेंगे ए माइनस बी इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो एन सी जीरो बी की पावर एन प्लस एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन और ए माइनस बी प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू और ए माइनस बी की पावर टू लास्ट में रहेगा एन सी एन ए माइनस बी की पावर एन
ए की पावर एन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बी की पावर एन प्लस एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन ए माइनस बी प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू ए माइनस बी का स्क्वायर लास्ट में प्लस वन मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर एन। तो ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन और ए माइनस बी एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू और ए माइनस बी का स्क्वायर और लास्ट में रहेगा ए माइनस बी की पावर एन। ए की पावर एन इज ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन ए माइनस बी प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू ए माइनस बी का स्क्वायर और लास्ट में रहेगा ए माइनस बी का की पावर एन। कॉमन लेते हैं ए माइनस बी, तो इधर तो रहेगा ए माइनस बी ए की पावर एन बी की पावर एन कॉमन लिया ए माइनस बी, रिमेनिंग कितना रहा एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू और यहाँ कह रहा है ए माइनस बी की पावर टू थी वन कॉमन आ गया रिमेनिंग कितना रहा वन और यहाँ पर एन में से वन कॉमन लिया रिमेनिंग कितना रहा एन माइनस का वन। इस पूरे टर्म को हमने क्या लेट कर दिया के, क्या लेट कर दिया के, तो क्या रहेगा ए माइनस बी और क्या रहेगा के, इसका मतलब के क्या डिविजन है इसका ए माइनस बी जो होगा वो इस टर्म का क्या हो जाएगा आपके फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर सिक्स, एक फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर सिक्स और ए माइनस बी की पावर सिक्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी की पावर सिक्स, ए प्लस बी की पावर एन का एक फॉर्मूला होता है एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू एन माइनस टू बी की पावर टू लास्ट में एन सी एन माइनस वन ए की पावर वन और बी की पावर एन माइनस वन और लास्ट में एन सी एन और बी की पावर एन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कितनी एन की जगह पर, पहले सिक्स जहाँ एन है वहाँ क्या पुट करेंगे सिक्स, तो सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन ए की पावर फाइव पर बी की पावर वन, सिक्स सी टू ए की पावर फोर और बी की पावर टू, सिक्स सी थ्री ए की पावर थ्री और बी की पावर भी थ्री, सिक्स सी फोर ए की पावर टू और बी की पावर फोर, सिक्स सी फाइव ए बी फाइव प्लस सिक्स ए सिक्स बी की पावर सिक्स। इन सबको सॉल्व करेंगे सिक्स सी जीरो सिक्स सी वन सिक्स सी टू, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, यह फॉर्मूला बता देते हैं हम एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियन एन फैक्टोरियन आर और फैक्टोरियन आपके रहेगा एन माइनस आर। ये फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या रहेगा अपना, ये ए प्लस बी की पावर सिक्स ए की पावर सिक्स प्लस सिक्स ए की पावर फाइव बी फिफ्टीन ए फोर बी स्क्वायर ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब फिफ्टीन ए स्क्वायर बी फोर प्लस सिक्स ए बी फाइव और लास्ट में क्या रहेगा बी की पावर सिक्स। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन क्या है ए माइनस बी की पावर सिक्स, मतलब बी की जगह पर क्या पुट करेंगे हम माइनस बी, इसमें जहां जहां बी है वहां हम क्या पुट कर लेंगे माइनस बी, माइनस बी पुट करके जो आंसर देखेंगे तो ये टर्म रहेगा जहां बी है वहां क्या हो जाएगा माइनस का बी। अब क्वेश्चन में क्या था ए प्लस बी की पावर सिक्स माइनस ए माइनस बी की पावर सिक्स, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करी और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो चेंज करने के बाद जो टर्म कट गए कौन सा देखो ए की पावर सिक्स से ये कैंसिल हो गया, उसके अलावा देखें हम b की पावर सिक्स से ये टर्म कैंसिल हो गया, कट होने के बाद रिमेनिंग जो टर्म रहेंगे वो कितना रहेंगे 12 a की पावर 5 एंड b 12 a की पावर 5 एंड b प्लस 40 a क्यूब एंड b क्यूब प्लस 12 ab की पावर 5, सब में से 4ab कॉमन लेने के बाद क्या रहा 3 a की पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। a प्लस बी की पावर सिक्स माइनस ए माइनस बी की पावर सिक्स फाइनल आंसर क्या रहेगा ये। अब क्वेश्चन क्या था ये वाला, अब इसमें a की जगह पर हम कितना पुट करेंगे रूट थ्री और b की जगह पर कितना पुट कर देंगे अपन रूट टू इस इक्वेशन के अंदर, तो फाइनल आंसर कितना फोर रूट थ्री रूट टू थ्री रूट थ्री की पावर थ्री टेन रूट थ्री की पावर टू रूट टू की पावर टू थ्री रूट टू की पावर फोर, फोर इन दोनों मल्टीप्लाई करा कितना टू इंटू सिक्स सिक्स रह जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स थ्री की पावर फोर करेंगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन और रूट थ्री की पावर अगर फोर करेंगे रूट थ्री वन टाइम थ्री टाइम एंड फोर टाइम इन दोनों मल्टीप्लाई थ्री इन दोनों मल्टीप्लाई तो कितना रहेगा रूट थ्री की पावर फोर का मतलब नाइन, तो कितना रहेगा आपका थ्री रूट थ्री की पावर थ्री प्लस टेन रूट थ्री की पावर टू रूट टू की पावर टू और लास्ट में थ्री रूट टू की पावर कितनी रहेगी आपके फोर, कितना रहेगा फोर रूट सिक्स थ्री का स्क्वायर टेन थ्री की पावर वन एंड टू की पावर वन थ्री और टू की पावर टू
फोर रूट सिक्स इसको करेंगे कितना रहेगा 27, यहाँ रहेगा 60 और यहाँ रहेगा 12, सबको मल्टीप्लाई करा कितना रहा 396 और साथ में रूट सिक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर। अब फोर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगे ए प्लस बी की पावर फोर, सेम फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर कौन सा यूज करेंगे फोर, तो क्या रहेगा फोर सी जीरो ए की पावर एन प्लस फोर सी वन ए थ्री बी वन फोर सी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री ए वन बी थ्री फोर सी फोर बी की पावर फोर। इन सबको जब सॉल्व करेंगे सी वाले फॉर्मूले से तो ए प्लस बी की पावर फोर का फाइनल आंसर कितना रहेगा, ये वाला ए की पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी की पावर फोर। अब यहाँ पर बी की जगह हम जब माइनस बी पुट करेंगे तो क्या रहेगा ए माइनस बी की पावर फोर, क्या ए की पावर फोर माइनस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी क्यूब प्लस बी की पावर फोर। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी की पावर फोर प्लस ए माइनस बी की पावर फोर तो क्या आंसर रहेगा, ये a प्लस बी की पावर फोर और ये रहेगा a माइनस बी की पावर फोर को। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 2a की पावर फोर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b की पावर फोर, और 2 सब में से अगर कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग आंसर क्या रहेगा आपका, ये फाइनल आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं a स्क्वायर प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, पहले 2 ए ए की जगह ए स्क्वायर की पावर फोर प्लस सिक्स ए स्क्वायर की पावर टू अंडर रूट बी की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी की वन की पावर फोर। सॉल्व करेंगे टू, यहाँ पर कितना रहा टू फोर जा एट सिक्स ए की पावर फोर अंडर रूट से क्या रहेगा अंडर रूट का मतलब वन अपॉन टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या रहा ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर भी टू टाइम 2 a की पावर 8 प्लस 6 a की पावर 4 a स्क्वायर माइनस 1 पावर कितनी रहेगी आपकी 1 a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 a की पावर 8 12 a की पावर 4 और a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 a स्क्वायर, फाइनल आंसर रहेगा आपका ये 2 a की पावर 8 प्लस 12 a की पावर 6 माइनस 10 a की पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 5 फर्स्ट थ्री टर्म्स, कितने टर्म्स निकालना है आपको फर्स्ट थ्री टर्म, इसको हम शो कर सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5 a प्लस बी की पावर कितनी रहेगी 5, तो a प्लस बी की पावर 5 का फाइनल आंसर कितना रहेगा 5 सी 0 a की पावर 5 प्लस 5 सी 1 a की पावर 4 b 1 5 सी 2 a क्यूब b स्क्वायर 5c3 a square b cube 5c4 a b की पावर 4 प्लस 5c5 और b की पावर 5। इन सबको वैल्यू सॉल्व करेंगे 5c0 1 a की पावर 5 5c1 फैक्टर इन 5 फैक्टर इन 1 और फैक्टर इन 4 माइनस 1 a4 b1 इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर इन 5 2 और 5 माइनस 2 a क्यूब और b स्क्वायर, इन तीन की वैल्यू अपन क्या करते हैं फाइंड। इस क्वेश्चन में क्या बोला फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब फर्स्ट टर्म की थ्री टर्म की वैल्यू रखाएंगे यहाँ पर कितना रहेगा a की पावर 5, a की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा आपके 1। सेकंड इस टर्म के अंदर वैल्यू पुट करेंगे a की जगह पुट करेंगे 1 और b की जगह पुट करेंगे 0.01, सो सॉल्व करने में कितना आएगा -0.05, और इस टर्म के अंदर a की जगह 1 और b की जगह करेंगे 0.01 तो सॉल्व आंसर कितना है 0.001। ये दोनों प्लस के इनको सॉल्व किया 1.001 और इसमें ये माइनस करा रिमेनिंग आंसर कितना रहा 0.951 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर कितनी है 4। सबसे पहले पावर 4 का फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी की पावर 4 4 सी 0 a की पावर 4 प्लस 4 सी 1 a क्यूब b 1 प्लस 4 सी 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 सी 3 a 1 b क्यूब प्लस 4 सी 4 a की पावर 4। इन सब की वैल्यू अगर पुट करके फाइनल आंसर निकालते हैं तो ये आता है a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब और प्लस b की पावर 4, ये रहेगा a प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर तीन टर्म 1 2 और 3 तो दो को मिला के हम ऐड कर देते हैं a,
तो ए की जगह हम ये पुट करेंगे और बी की जगह पुट करेंगे माइनस टू अपॉन है। इस फॉर्मूले ए की जगह वैल्यू और बी की जगह वैल्यू क्या करेंगे पुट, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 प्लस क्या है 4 ए क्यूब, ए की जगह वैल्यू क्यूब, बी की जगह बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस 4 ए बी का क्यूब और लास्ट में बी की पावर 4 वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 8 अपॉन एक्स, इन दोनों मल्टीप्लाई 8 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 3 पावर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 24, 2 का स्क्वायर 4 और 6 24 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस इनको 2 की पावर 3 करें 8 8 4 जा 32 अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इन दोनों को पावर 4 और पावर 3 यहां पर पावर 4 और यहां पावर 3 को सेपरेट सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करते हैं तो a प्लस b की पावर 4 इसका एक फॉर्मूला आता है ये वाला जिसमें a की जगह हम पुट करेंगे 1 और b की जगह कितना पुट करेंगे x अपॉन 2, a की जगह 1 और b की जगह पुट करेंगे x अपॉन 2। सॉल्व करने पर आंसर आपका कितना आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 16। ये किसका फॉर्मूला रह जाएगा आपका 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 4 का। अब सॉल्व करते हैं 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 3 का, इसका ही फॉर्मूला ये होता है a की जगह 1 और b की जगह x अपॉन 2 अगर पुट करेंगे तो आंसर कितना रहेगा आपका ये 1 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x क्यूब अपॉन 8। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन था इसका सॉल्व अलग वैल्यू पुट करी और इसकी वैल्यू हमने सेपरेट पुट करी, पुट करने पर इसकी जगह ये पुट कर लिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 16। यहाँ देखो माइनस 8 अपॉन एक्स एज इट इज और इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करी 1 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x क्यूब अपॉन 8। नेक्स्ट देखो 24 ये वाला एज इट इज और इसका फॉर्मूला a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और रिमेनिंग टर्म आपके एज इट इज। सॉल्व करेंगे इसको फर्स्ट टर्म तो एज इट इज 8 अपॉन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 8 अपॉन x प्लस 12 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स और रिमेनिंग टर्म आपके एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 8 अपॉन x माइनस 12 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस 24 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 24 अपॉन x माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 16 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 16 अपॉन x की पावर 4। सॉल्व करने पर क्या आंसर रहेगा आपका फाइनल ये वाला x की पावर 4 अपॉन 16 x क्यूब अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x माइनस 5 16 अपॉन x 8 अपॉन x क्यूब x स्क्वायर माइनस 32 अपॉन x क्यूब और 16 अपॉन x की पावर 4। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर का, फाइंड द वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर की पावर 3। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ये वाला लास्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर और लास्ट में क्या रहेगा b क्यूब। अब यहाँ पर दो टर्म ले लेते हैं एक फर्स्ट और ये क्या रहेंगे आपका सेकंड 3x स्क्वायर माइनस a 2x माइनस a की पावर a की जगह हम पुट करेंगे 3x स्क्वायर और b की जगह हम पुट करेंगे ये वाला a की जगह a की वैल्यू पुट करो और b की जगह क्या पुट करें b की वैल्यू a की जगह 3x स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 a की वैल्यू और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में प्लस 3 b की जगह b की वैल्यू इसका स्क्वायर a की वैल्यू लास्ट में b का क्यूब। सॉल्व करेंगे 27x की पावर 6 माइनस 27x 4a 2x माइनस 3a प्लस 9x स्क्वायर a स्क्वायर 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस a क्यूब 2x माइनस 3a की पावर 3। सो 27x 6 माइनस 27x की पावर 4 2ax माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर x स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करेंगे तो फाइनल आंसर रहेगा 27x की पावर 6 माइनस 54x 5 और a प्लस 81x की पावर 4 एंड a स्क्वायर प्लस 36x की पावर 4 और a स्क्वायर
प्लस 81 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 100 एक्स क्यूब और ए क्यूब माइनस ए क्यूब 8 एक्स क्यूब माइनस 27 ए क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर ए प्लस 54 एक्स ए और स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट ही रहेगा, इनको ब्रैकेट क्या करेंगे अपन ओपन, ब्रैकेट ओपन करने बाद ये वैल्यू आपके रह जाएगी। अब इनमें जो सेम टर्म है वो कट हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा 27 एक्स की पावर 6 माइनस 54 ए एक्स 5 100 देखो ए स्क्वायर और एक्स की पावर 4, यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 108, ये दोनों सेम टर्म है, इन दोनों ऐड किया तो माइनस 116 ए क्यूब और एक्स क्यूब रिमेनिंग एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, इन दोनों प्लस करेंगे 117 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 54 ए की पावर 5 एक्स और 27 ए की पावर 6, ये रहेगा अपना फाइनली आंसर। इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।